हम आपको बताने चल रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी के बारे में। तो दोस्तों अभी हाल ही में यानी कि कल के दिन मोहम्मद रईसी का ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका हेलीकॉप्टर क्रैश से उनकी डेथ हो गई है। दोस्तों अगर बात करें अजर ये आपका जो डेथ हुआ है इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये पूर्वी अजरबैजान प्रांत है ईरान में, वहीं पर इनका हेलीकॉप्टर दोस्तों यहां पर क्रैश हो गया। अगर दोस्तों बात करते हैं मोहम्मद रईसी के साथ दोस्तों 9 लोग आपके इसमें शामिल थे, तो यानी कि लगभग इनकी मरने वालों की संख्या उसके हेलीकॉप्टर क्रैश में आपकी 9 थी। इसमें आपके मोहम्मद रईसी जी राष्ट्रपति ईरान के थे, इसके साथ साथ आपके हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान जो कि विदेश मंत्री ईरान के थे, इनके साथ साथ एक व्यक्ति और इनको देख लीजिए सैयद मोहम्मद अल हसीन जो कि ईस्ट अजरबैजान के हैं, इनकी भी आपकी इनकी डेथ हो गई है। एक है मलिक रहमती गवर्नर ईस्ट अजरबैजान की है, इनकी आपकी डेथ हो गई है। पायलट सर पायलट क्रू चीफ सहित आपकी 9 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारी बॉडीगार्ड भी इसमें शामिल थे, इसमें इनकी डेथ हो गई है आपके ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दोस्तों सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसराइल का इसमें हाथ है, लेकिन अभी जांच प्रक्रिया आपकी चल रही है कि आपकी कैसे ईरान के राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो आपका क्रैश कर गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर ये आपका जा रहा है यहीं पर अजरबैजान के बॉर्डर पर, यहीं पर क्या हो गया इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब